फिर जावे ता जावे सादा सिक्की से दसदा जावे फिर जावे ता जावे सादा सिक्की से दसदा जावे चेता ही भुल गया बाकी दा पति पति केवल चेते रह गया क्यों क्योंकि पति वर तो धर्म च कायम है बीबी रह तुझ त्यार पर त्यार है चिट्ठी रसैन काला काला अगे तुरिया गया मैं अगर चिट्ठियां देनियां हुण चेता है कि मैं तो पढ़ी नहीं हाथ मारी मगर आवाज मारी वे वीर तेरा भला होवे तू मैनू ये चिट्ठी लिया के दिती है ज्यों जोगिया मैनू पढ़ के भी सुना जा मैनू सुख स्नेह का पता लग जावे वो मुड़ के आया वो चिट्ठी पढ़न लगा बीबी सामने खड़ी है चिट्ठी पढ़ रहा पढ़न वाला उन्हें उही अक्षर पढ़ने ने ना जे उपर लिखे हुए ने कि कोलों बढ़ावेगा नहीं नहीं उपरले लिखे वह कहता मेरी प्यारी सुपत्नी वह बीबी सामने खड़ी है वह पढ़ रहा है पढ़ी जाता सारी चिट्ठी पढ़ के सुनाई है तो पढ़ के सुनाने तो बाद जे ये कह देवे कि मैं चिट्ठी पढ़ के सुनाई है तो मैं क्या मेरी प्यारी सुपत्नी हुण तू मेरी पत्नी बन गई तो फिर खालसा जी और मरम्मत ही होनी है ना कोई कसर तो नहीं ना रह जानी चंगी तरह चाढ़ा ही छकेगा ना वो किधरों ओदा पति बन गया तो खालसा जी यो जे वो चाहे जे वो जिहड़े वो बीबी है वध तो वध ओदा सत्कार ते धन्नवाद करेगी वीर तेरा धन्नवाद है तेरा शुक्रिया तू चंगा कीता मेरे पति की चिट्ठी मैनू तां सुनाई है तो वो बीबी का सत्कार योग भरा बन सकता है यह तो नहीं कि वह पति बन जाएगा क्योंकि उन्हें चिट्ठी पढ़ के सुनाई है इस तरह खालसा जी तुरकी बाणी अकाल पुरख पति परमेश्वर ने सानू भेजी है वो साडा पति है जिहड़ा हर मौके से विश्व विकारां दे नाल जंग करके उन्हां औकड़ां दूर करके मोर्चे फतेह करन वाला है उसने ये सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू हुक्मनामा भेजा है अपना ते विच विचारा जिहड़ा पढ़ के सुनाउण वाला साडा वो खसम बन जाणा साडा गुरु बन जाणा साडा पति बन जाणा बिल्कुल गलत है वह साडा सत्कारयोग भरा बनेगा असीं उन्हूं अपना बजुर्ग समझांगे वड्डा वीर उन्हूं समझांगे एदो वध उन मुरातबा देन वाला पागल होवेगा समझ होवेगा इस वास्ते खालसा जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़ के सुनाउण वाला जां विचारे उपदेश सुनाउण वाला साडा गुरु नहीं बन जाणा गुरु साडा अकाल पुरख हुक्म साडे पास श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दा ही रहेगा असीं गुरु के सेव करांगे होर किसे दे नहीं होर जो कोई भुलेखे सानू पावे तां गुरु के प्यारियो उस भुलेखे विच कदे भी नहीं पैणा जिन्हां कुरीतियां तबर फैलियां तो सानू छुड़ाया अज उन्हां कुरीतियां वल फिर प्रेर के पाया जा रहा है ते शराबा पियो मास खाओ जो मर्जी मन मर्जियां करो हजूर सच्चे पातशाह कहिंदे ने काहे की जित है मन भावन जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण मन मर्जी रावण ने कीती मन मर्जी कीती सत्कार योग सीता जी ने चुरा के लग्या ते चौं वेदां दा टीका कीता रावण ने मामूली बंदा नहीं सी अनपढ़ नहीं सी पर कहाया कि लंका गढ़ सोने का पाया मूर्ख रावण क्या ले गया रावण वर्गिया ने मूर्ख कहना पिया और श्री रामचंद्र भगवान ने तीरां नाल उड़ाया लंका ढाई अखे अजकल का कलयुग का बंदा जे मन मर्जी कर लवे तो वह अखे रब नू मिल पवे किड्डा अनेर ते किड्डा अन्या कुछ विचार मन च करनी चाहिए है कुछ ख्याल मन च करना चाहिए है साडे गुरु वह बन सकते ने जेडे तत्तियां तवियां ते कदे चौंकड़े लाउण संसार नू सारन वास्ते तत्ते रेते सीस विच पाउण उबलदियां देगां विच बहण तो खालसा जी वह गुरु बन सकते ने जेडे दिल्ली विच जाके दूसरे दे धर्म की रक्षा करन वास्ते भी अपना सीस बलिदान देन तिलक जन्यू राखा प्रभ तांका इनो वड्डो कलू मैं साका साधन हेत इति जिन करी सीस दिया पर सी ना उचरी तो साडे गुरु वह बन सकते ने जेड़े ये कहन के पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा ते केवल जबानी नहीं अपने चारे दे चारे साहब जादे कुर्बान करके आनंदपुर साहब दे सुख छड के ते फिर सानू क्या इना सत्कार दिता के इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सो प्यार चार मुए तो क्या पाया जीवत लाख हजार तो खालसा जी किथे लुट कसुट के थैलियां भर के घर नू लै जानियां ते किथे अपने पुत्रां दीयां जायदादां बणाउणियां ते बगाने पुत्रां तों खोह के लै जाणा फिर कहणा कि सिखां दे गुरु है सिखां दे गुरु ने अपने चारे साहिबजादे कुर्बान कीते बिंदी औलाद
और अपनी नादी औलाद के उपरों कुर्बान किए ते अपनी नादी औलाद नूं अपने पुत्र बनाया। कि अजकल का कोई गुरु भी अपना एक पुत भी मरवा के अपने जिन्हां नूं ओह अपने चेले भुले भुलेख्या नूं भुले विच पिया होया नूं कोई बनाया कदे अपने उन्हां दे उपर एक भी कोई पुत्र कुर्बान कर सकदा है? किसी विच कोई शक्ति है? किसी विच कोई ताकत? साडे सतगुरु जी ने कृपा की बली कनारी का हंकार तोड़ वास्ते पहाड़ रोकिया। अजकल का गुरु छोटी जी इट लैके मारिए तो अख नहीं निकल जाएगी? रोकेगा? कोई है शक्ति? कोई करामात है? कोई बिल्कुल ही नहीं।